तो बिलावल साहब भी अब एंट्री देने वाले ना बसा साहब पंजाब में, आसिफ अली जरदारी साहब भी पहुंच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रही है पीपल्स पार्टी? पहली बात तो ये है कि खान साहब का अपना स्टाइल है पॉलिटिक्स का, उनकी अपनी जमात है, अपनी सोच है, और आप देख लीजिए कि उन्होंने नवाज शरीफ को किस तरह मजबूत किया, धांधली पे चले, सुप्रीम कोर्ट से पे स्टैंप लगवा दी कि धांधली नहीं हुई है मुनज्जम। बताइए इससे मियां नवाज शरीफ कमजोर हुए या ताकतवर हुए? अब भी आपकी राय अपनी जगह, मेरा डिसएग्रीमेंट है 100%। आप मुझे ये बताएं, जनरल राहिल शरीफ साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ, उन्होंने बड़ी जरूरत, बहादुरी और दिलेरी के साथ अपना टाइम गुजारा है, लेकिन पंजाब में क्या है? वो अक्सर कहते थे कि दहशतगर्दी और करप्शन का नेक्सस तोड़ूंगा। जब पंजाब आता था, जहाँ मियां साहबान की हुकूमत है, जो मुकद्दस गाय मैं कहता हूँ, इन्होंने रेंजर की समरी भेजी, मियां शहबाज शरीफ ने समरी उठाकर वो मारी। यहाँ पर छोटू गैंग पकड़ा जाता है, नो गो एरियाज है, यहाँ पर राणा मशहूद की वीडियो कैसेट से पैसे लेते हुए, और यहाँ पर लूट मार का बाजार गर्म है, नहीं पकड़े गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप जो बात बार बार कह रहे हैं, देखिए हमारी रीऑर्गेनाइजेशन के फेज से गुजर रहे थे हम लोग, हमारी तो तंजीमें मौजूद नहीं थी, पूरे पाकिस्तान की तंजीमें हमने तोड़ी हुई थी। आज आपने देखा कि हमारा यौम तासीस था, तंजीमें अनाउंस कर दी चेयरमैन साहब ने, जिले और डिवीजन लेवल तक हमारी 10-15 दिन में मुकम्मल हो जाएंगी।